देखिए जो म्यूज़िक है जो ट्रेलर है वेल रिसीव्ड है. म्यूज़िक तो बहुत अच्छा चल रहा है. वो साथी मुसाफिर आवारी गाने मिथुन का म्यूज़िक है. टिप्स म्यूज़िक कंपनी. तो मुझे लगता है एक अच्छी एनर्जी बन रही है फिल्म की. और हमारी छोटी फिल्म है तो बड़ी फिल्मों के बीच में कहीं एडजस्ट करना है हमें. और उम्मीद है कि हमें अच्छे शोज़ मिलें और दर्शक आए देखने के लिए. और उनको एक ऐसी कहानी मिलेगी जो एक सेंटेंस या एक उसमें कहना समझाना बहुत मुश्किल है. ट्रेलर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी कहानियों में बिकॉज़ इसमें कुछ पहलू हैं, पहलू के अंदर पहलू हैं, ऐसे चैप्टर्स विद इन चैप्टर्स. तो ये ऐसी किताब है जो सिर्फ आप उसके कवर से नहीं पहचान पाएंगे. तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी. तो पांच मेन लोग हैं, तीन उसमें से मेन किरदार हैं. तो उनकी कहानियाँ हैं. उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी चॉइसेस, कुछ डिसीजंस और उनकी लाइफ में कैसे एक दूसरे को ये इम्पैक्ट करते हैं. और ड्रामा है, लव है, रोमांस है, लस्ट है, होप है, उम्मीद, आशा निराशा दोनों हैं. तो इस किस्म की कहानियाँ. और जो ये बिल्कुल सिंगल वो नहीं है कि अब नाम काम आप अभी इस किस्म के इंसान हैं. इसलिए शब भी रात की एक डुअलिटी होती है. कुछ चीज़ें निकल के आती हैं बाहर. सबको लगता है ये रात को जो चीज़ें निकल के आती हैं बाहर वो ख़राब है. वो ख़राब नहीं है. एक ऐसी हमारे खुद कई चेहरे होते हैं. कुछ चेहरे निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं. सो ये उसको एक्सप्लोर करती है फिल्म. एक्चुअली मैं शब में एक्ट नहीं कर रहा हूँ. मेरे मुंह दिखाई अपीयरेंस है. कैमियो रोल है बस. बाकी भी निर्माता हैं. मैं उनके साथ ये प्रोड्यूस किया हमने. तो इसमें जो मेरा रोल है वो है एक्चुअली ओनली एज प्रोड्यूसर. सो कौन सा पार्ट आपको टफ लगता है एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर? ये दोनों की अलग ज़रूरतें हैं. प्रोड्यूसर में ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है. मुश्किल काम है. एक्टिंग में मज़ा बहुत आता है. एक थेरेपी समझता हूँ एक्टिंग. उसकी ज़रूरतें अलग हैं. उसमें आपकी देखभाल की जाती है. इसमें आप लोगों की देखभाल करते हैं. सो दोनों अलग अलग इसमें चीज़ें निकल के आती हैं. सो ऑनियर को आप बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं. जब वो एडिटर से तब से जुड़े हुए आपके. सो कैसा रैपो आप शेयर करते हो और कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ? हम बहुत झगड़ते हैं, बहुत एक दूसरे से डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं. लेकिन एक ट्रस्ट है और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. तो क्रिएटिव डिसीजंस जो होते हैं बहुत वहाँ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो वहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. अगर ये उनकी विजन है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ. कुछ मेरी विजन होती है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं. कुछ रोल्स डिफाइंड हैं तो भरोसे पे और एक वो क्रिएटिव कनेक्ट में जिसको कहता हूँ वो ना सिखाया जा सकता है ना आप सीख सकते हैं. वो होता है कभी कभी क्रिएटिव कनेक्ट कि हाँ ऐसी होगी फिल्म, विजन ऐसा होगा. तो वो वहाँ पर हम दोनों की कहते ट्यूनिंग अच्छी है. तो इसलिए हम
काम भी इकट्ठे कर। लोगों के बीच में आपको मूवी को लेकर रिलीज के लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है या 30 या बाद में, तो थोड़ा क्लेरिफाई? नहीं, अभी 30 को नहीं होगी, कुछ दिन बाद होगी, बट हम एक या दो दिन में डेट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि बहुत महारथी फिल्म्स आ रही हैं, हमें छोटी फिल्म्स को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट हो रही है। सर, एज अ प्रोड्यूसर कहना चाहूँगा, GST भी लागू हो रही है, बहुत सारी मूवी जैसे वैसे लॉस हो रही है उस पर GST लागू हो रही है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो, कुछ रिव्यू के लिए अपील तो हुई थी, अब मुझे लेटेस्ट उसका अपडेट नहीं पता। हाँ, लेकिन जहाँ पे थिएट्रिकल रिलीज पे सर्विस टैक्स और वैट नहीं था, उस पर GST लग जाएगा तो इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो वेट कर रहे हैं अब क्या फाइनल रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। एनीवे बहुत हेविली टैक्स्ड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत है, गवर्नमेंट एक किस्म के हिस्सेदार है हमारे साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स हर फिल्म पे लगता है और ऑडियंस देती है, फिर वो कट के आता है, और डायलॉग बोलने के सर्विस टैक्स लगते हैं, अच्छी लेखक अच्छी कहानी लिखता है वो सर्विस टैक्स है, फिर वैट भी है, तो हेविली टैक्स्ड इंडस्ट्री है, ये वो बर्डन कर रही है इंडस्ट्री को, एक प्रॉपर विजन चाहिए इसको बचाने के लिए। ओके सर, लास्टली दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आपकी मूवी को लेकर? जैसे हर फिल्म हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कुछ कहानियाँ, कुछ अलग किस्म की कहानियाँ देखना है आप पसंद करते हैं, तो शब ज़रूर वो फिल्म है। थैंक यू।